सांसद राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी क्योंकि जीते हैं रायबरेली और वायनाड से, तो वो बारी बारी कल रायबरेली और अमेठी पहुंचे थे जनता का आभार जताने के लिए, और आज वायनाड पहुंचे हैं। दोनों सीटों से जीत उन्होंने हासिल की है, लिहाजा फिर संसदीय क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना है उनको। आज वायनाड के मल्लपुरम में राहुल गांधी ने एक रैली की है, संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा। And the fight in this election was about the constitution. They thought that just because they have political power, just because they have ED, they have CBI, they have the income tax department, they can dictate to the people of India what is going to happen. And the people of Kerala, the people of Uttar Pradesh, they showed the Prime Minister, people of all other states showed the Prime Minister that you cannot dictate to the people of India what we want. Before the election, you saw BJP leaders saying, we will tear up the constitution, we will throw the constitution away, we will change the constitution. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the constitution. तो देखिए राहुल गांधी ने आज जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने ये संविधान की एक कॉपी जो उनके हाथ में है, जो मिनिएचर है, उसको उन्होंने अपने माथे से लगाया और उन्होंने जनता को ये कहा कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को उठाकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। और जनता का उन्होंने आभार जताया कि आपकी वजह से आज ये दिन आया है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान को माथे से लगाना पड़ रहा है।